कहवा पी रही हूँ, और वो कहवा नहीं है जो बाजार से मिलता है, बिकॉज उसमें होता है कैफीन, मेरी नींद उड़ जाती है। ये घर में बनाते, और इसमें हम डालते हैं मुलट्ठी, सौंफ, इलायची, अजवाइन, दालचीनी और थोड़ी सी लौंग। इसको अच्छी तरह पकाते 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 उसके बाद आप इसमें हनी डाल लें, या इसमें शहद भी, हनी मतलब लेमन डाल लें, हनी और शहद एक ही चीज़ है। हनी के साथ आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। गला 15 दिन से ठीक नहीं हो रहा मुझे, मैं सैड हो रही हूँ, पता है मेरा, मेरी आवाज़ बंद हो जाए तो मुझे लगता है मैं नहीं हूँ, पता नहीं कौन है, दिल नहीं चाहता किसी से बात करने को, फिर शूटिंग्स भी चल रही है साथ साथ। तो खैर, आजकल की सिचुएशन पे हम बात तो करे थे, इलेक्शन हो गए हैं, खैरियत से हो गए हैं, बस अल्लाह करे रिजल्ट भी ऐसा हो जो सबको ही पसंद आए, जो कि मुश्किल होता है। मगर मैं छोटी सी बात ही कहूँगी कि जो भी हुकूमत आए, अगर ये लोग मिलकर भी कोई कोलेब्रेशन भी करें तो भी एक दूसरे को चैन से बैठने दें प्लीज़। एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना अब बंद कर दें। अवाम थक गए हैं, मुल्क डूब गया है, बहुत परेशानी है। सो कोशिश करें कि जो भी रिजल्ट है उसको कहते हैं ना खंदा पेशानी से कबूल करें, और अपने मुल्क की खातिर, अपनी इकोनॉमी की खातिर, बाहर की दुनिया में हमारा मजाक ना बने इस बात की खातिर थोड़ा हेल्दी एटमोसफेयर पैदा करने की कोशिश करें। खैर, जो भी कुछ है, आजकल के हालात के मुताबिक मुझे ना एक बड़ी अपनी पुरानी नज़्म याद आ रही है, जो एक्चुअली तो एक अंग्रेज़ी बड़ी पुरानी पुराना बड़ा गाना है, जिस बहुत से लोगों ने सुना हुआ भी है, कि सरा सरा व्हाट विल बी, तो एक बच्ची ने गाया, और मतलब मैं जब 16-17 साल की थी तो एक बच्ची की उसमें मैंने गाया, और मेरी एक दोस्त है इरशाद अर्शी, जो बड़ी अच्छी शायरा भी हैं, उन्होंने इसको उर्दू में लिखा, तो वो मुझे याद है कि फिर मैंने 92 में संचू ड्रामा किया था इस्लामाबाद से, उसमें मैंने पियानो के साथ भी गाया, बड़ा प्यारा गाना था। एक तो उसकी बोल और उसकी फीलिंग बड़ी खूबसूरत है, दूसरी उसकी धुन भी बहुत मतलब कैची थी। गला तो बैठा हुआ है, लेकिन दिल चाह रहा है कि आजकल की सूरत हाल जिसमें हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, एक छोटी बच्ची क्या सोच रही है। जब मैं नन्ही मुन्नी सी थी, मैंने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं सुंदर फूल बनूंगी, क्या मैं सुंदर फूल बनूंगी, दुनिया मेरे हाथ में होगी, दुनिया मेरे हाथ में होगी, लल्ला मुश्किल का सामना करना होता है और फिर चलते जाना होता है। अल्लाह से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, हमें अकल दे और उसका सही इस्तेमाल दे, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए बस इतनी छोटी सी बात ही थी। गला ठीक होता तो मैंने पूरा गाना सुनाना था आपको। वैसे नेट पे पड़ा हुआ, कहीं किसी ने चुरा के मेरा गाना डाला हुआ है, मेरी तस्वीर है और मुझे नहीं पता किसने कहाँ से लिया है और लेके अब मेरा वो गाना डाला हुआ है, जब मैं नन्नी मुन्नी सी थी। आप जाइए बुशरा अंसारी सॉन्ग्स में, लेकिन उनको व्यूज़ मिलेंगे, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे। पर मेरा चैनल ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें भाई। हाँ, मेरे दोस्त बढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, तभी मैं ज़रा, चाहे गला ख़राब हो चाहे ठीक हो, मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, और अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो जाए, दुआ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।